इस वीडियो में डिप्टी सीएम का बेटा आशु बैरवा टशन में खुले जीप दौड़ाता हुआ दिख रहा है। जीप के आगे पीछे पुलिस स्कॉर्ट करते हुए नजर आ रही है। आशु बैरवा के साथ तीन अन्य युवक भी हैं, जिसमें से एक का नाम कार्तिकेय भरद्वाज बताया जा रहा है। कार्तिकेय कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भरद्वाज का बेटा है, जिन्होंने वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने सांगानेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि मौज मस्ती और रीलबाजी के लिए नेताओं के इन बेटों को पुलिस स्कॉट किस वजह से मिला, ये बात समझ से परे है। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि मेरा बच्चा अभी बच्चा है, आपस में दोस्त थे। पीएम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे डिप्टी सीएम बनाया। अगर कोई अमीर आदमी ने मेरे बेटे को बड़ी गाड़ी में बैठाया तो कम से कम मेरे बेटे ने कोई अच्छी गाड़ी तो देखी। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि मेरे बच्चे को भी लोग पूछने लगे हैं। पुलिस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की गाड़ी पीछे चल रही थी। मैं अपने बच्चे को दोष नहीं देता हूं। ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी दोस्त हैं। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया, और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूँ कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग दे रहे हैं तो मैं तो धन्यवाद मानूंगा कि वहां तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन लोगों की भावना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, और कर रहे हैं तो ठीक है वो करे, लेकिन मैं मेरे बच्चे को और मैं बच्चों को कोई दोष नहीं देता हूं, क्योंकि वो बच्चे एक स्कूल के दोस्तों के साथ थे और इसमें इस तरह की कोई